आप लोग क्या लगता है, क्या एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है? वेल आखिरकार वो है ही यार। अभी सैमसंग को पीछे छोड़ के एप्पल सबसे बड़ी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर होता है वो भी बन गया है। $2 trillion भी कंपनी हम इसे कहते हैं, मतलब वैल्यूएशन वाइज सबसे बड़ी कंपनी तो हम एप्पल को कह ही सकते हैं अगर हम रॉ फिगर्स को देखें। लेकिन क्या ये सच बात है? क्योंकि अगर हम सैमसंग की बात करें तो वो एप्पल से ज्यादा बड़ी कंपनी हो सकता है? वेल आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सुनने में कहानी काफी ज्यादा अलग होती है, लेकिन हाँ अगर हम रियल फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ये काफी बड़ी सही बात भी हो जाती है। वेल वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। लेकिन सबसे पहले बात करें आखिर में सैमसंग के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बात की जाए तो सैमसंग है ना सिर्फ एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नहीं है। वेल उनका स्मार्टफोन वाला बिजनेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम उसकी सबसे ज्यादा बातें करते हैं। लेकिन स्मार्टफोन के अलावा इनका बिजनेस बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन है, और वन ऑफ द मेजर क्लाइंट सैमसंग का आप लोगों को पता है कौन है? वो है एप्पल। अगर हम बात करें एप्पल का कोई भी लेटेस्ट आईफोन उठा ले, उनके अंदर जो डिस्प्ले यूज होता है वो कहां से आता है? सैमसंग बनाती है। दुनिया में सबसे अच्छे OLED डिस्प्लेस का मैन्युफैक्चरर कौन है? सैमसंग है। सैमसंग इमेज सेंसर बनाती है, उनके ISO सेल इमेज सेंसर आपको पता है 108 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर उन्होंने बनाया था। काफी सारे रैम्स हो गए, चिप्स हो गए, प्रोसेसर्स हो गए, ICs हो गए, इनका फैब्रिकेशन करती है। यानी कि काफी सारे इंटरनल कंपोनेंट जो आपको लेटेस्ट आईफोन के अंदर देखने को मिलते ना, वो सारे आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अमेजिंग चीज हो जाती है ना। और देखा तो एक जमाने में एप्पल और सैमसंग दोनों ही बहुत ही तगड़े दुश्मन हुआ करते थे। कभी सैमसंग एप्पल के ऊपर केस ठोक देता था तो कभी एप्पल सैमसंग के ऊपर केस ठोक देता था, इस तरीके की कहानियां चलती रहती थी। लेकिन अभी बात करें तो दोनों में एक ऐसी यारी हो रखी है कि दोनों का जो गुजार है ना वो एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता। यानी कि एप्पल को भी मालूम है अगर एप्पल को आज के समय में लेटेस्ट आईफोन बनाना है और उसे टाइम पे सही क्वांटिटीज में लोगों तक प्रोवाइड करना है ना, उसमें सैमसंग की हेल्प तो लगेगी। बिना सैमसंग की हेल्प पे वो आईफोन नहीं बना सकते, और सैमसंग को भी पता है एप्पल को इतने सारे आईफोन बेचने तो उन्हें उनके पास आना ही पड़ेगा। और रियलिटी में सैमसंग अपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेच-बेच के ज्यादा पैसा बना देता है जितना वो इंडिविजुअली अपना फोन बिजनेस में फोन्स बेच-बेच के नहीं कमा पाता है ना, काफी अमेजिंग चीज। खैर इसके काफी सारी बातें अलग भी हो जाती है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो सैमसंग है ना वो काफी सारी फैक्ट्रीज वगैरह भी ओन करता है। यहां तक की बात करें एप्पल क्या करता है कि थर्ड पार्टी फैक्ट्रीज को अपने कॉन्ट्रैक्ट देता है, जैसे फॉक्सकॉन वगैरह हो गया, सैमसंग उनका क्लीयर सप्लायर होता है। लेकिन वही बात करें सैमसंग की, दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन फैक्ट्री जो इंडिया में है नोएडा के अंदर, वो सैमसंग ओन करता है। ये काफी कमाल की बात हो जाती है ना कि दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन फैक्ट्री उन्होंने इंडिया में बना रखी है, ये काफी सही चीज हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स वगैरह तो बनाते हैं, लेकिन जब वो इतने सारे कंपोनेंट्स बना रहे तो खुद के फोन भी बना सकते हैं, इसलिए वो फोन बिजनेस में है। और देखा जाए तो फोन बिजनेस में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लॉस में चल रहे, फोन बिजनेस में बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट बना रहे, बहुत सारे फोन बेच रहे हैं। दुनिया की सेकंड बिगेस्ट कंपनी है, कुछ समय पहले तक फर्स्ट पर भी थे, इंडिया में भी देखा है तो सेकंड पोजीशन ऑलरेडी होल्ड करते हैं। और स्पेसिफिकली इंडिया में बात करूं, ऑफलाइन के अंदर आज भी लोग सैमसंग को ही ट्रस्ट करते हैं। अब दुकान पे जाके पूछ लेना किसी भी, वहां पे अगर जो लोग आते हैं ना सामने से किसी कंपनी का नाम बोलते हैं तो सैमसंग होता है कि सैमसंग का फोन दिखाओ। और सैमसंग इतने लंबे समय से एक ऐसा ब्रांड बनाओ कि उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना सिर्फ नाम के कारण बिकते हैं। अगर हम टीवी के बारे में बात करें सेम कहानी, अगर हम रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अप्लायंसेस वगैरह में बात करें, सैमसंग का नाम कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। और यही चीज सैमसंग को काफी ज्यादा अलग बना देती है, यानी कि एप्पल जब उसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर पार्ट्स तक लिमिटेड है ना, सैमसंग थोड़ी से ज्यादा वाइड ओपन, उसका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। यानी कि ये दोनों कंपनी एप्पल और सैमसंग सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बनाती, इसके अलावा मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बनाती है। लेकिन सैमसंग का जो पोर्टफोलियो है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, वो पूरे होम अप्लायंस और पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होता है वो तो उन्होंने कवर करके रखा ही हुआ है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। एक काफी अच्छी बात करूं आपको, सैमसंग CNT जो कि उनके कंस्ट्रक्शन टीम का डिवीजन है, उन्होंने दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का भी कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेशन लिया था, है ना, काफी कमाल की बात है। यहां तक कि सैमसंग के पास खुद का एक मिलिट्री डिवीजन भी है जहां पे वो अलग अलग मिलिट्री वाली टेक्नोलॉजीज वगैरह बनाते रहते हैं, फाइटर प्लेन्स, अगर हम बात करें मिलिट्री टैंक्स, ये सब भी उन्होंने बनाया है। काफी बड़ा और फैला हुआ बिजनेस है उनका, काफी कमाल की चीज है ना ये। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, अगर हम बात करें दुनिया में एक ऐसी कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च करती है,
वो भी सैमसंग है, मतलब दुनिया की सबसे टॉप कंपनीज में साथ ही जो R&D में इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। इवन अगर हम बात करें कोरिया के अंदर, तो सैमसंग के पास खुद की एक सिटी ही है, यानी कि सैमसंग सिटी नाम से एक जगह है जहां पर उनका जो पूरा बिजनेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है ना, वो भी फैला हुआ है। और टेक्नोलॉजी वाइज तो ये इतने ज्यादा एडवांस है, अगर हम बात करें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर की ना, तो इसका भी जो IC फैब्रिकेशन वगैरह होना, ये भी सैमसंग अपनी फैक्ट्री के अंदर करवा रही है, यानी कि सैमसंग अपना एक्सनोस तो बना ही रही है, साथ साथ जो स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर हो रहा है ना, वो भी ये लोग बना रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि सैमसंग एग्जैक्टली कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी सारी कंपनी उसके ऊपर डिपेंड करती है, और सिर्फ एक वैल्यूएशन वाली चीज से हम इस चीज का एक अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर हम बात करें तो इसके अलावा सैमसंग इंश्योरेंस में भी है, रियल एस्टेट में भी है, पता नहीं कितनी सारी चीजों में। और अगर हम बात करें इंडिविजुअल सैमसंग कॉन्ग्लोमेरेट के बारे में, वो काफी ज्यादा बड़ी कंपनी हो जाती है। इवन बात करें रेवेन्यू वाइज तो ये एप्पल को भी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि खूब सारा पैसा बनाते हैं। लेकिन फिर भी जो एप्पल है ना, वो हमेशा कई बार अपने वैल्यूएशन के कारण या फिर अपनी आईफोन की सेल्स के कारण काफी आगे निकल जाती है। सिंपल रीजन है, एप्पल अगर हम सिर्फ ब्रांड वैल्यू के बारे में बात करें, सैमसंग भी ब्रांड है, एप्पल भी ब्रांड है, लेकिन एप्पल ब्रांड की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। लोग एप्पल के लोगों के लिए ज्यादा पैसा खर्चा करने को तैयार है, ये इससे उसकी ब्रांड वैल्यू डिसाइड करता है। इवन बात करें US में 50% स्मार्टफोन मार्केट जो USA का है ना, मोर देन 50% एप्पल के पास है। और देखा है तो ये काफी सारी चीजें रहती है ना एप्पल के फेवर में चल रही है, और इसलिए जो एप्पल वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, यानी कि पॉपुलैरिटी के मामले में या फिर जो परसीव्ड वैल्यू होती है उसके मामले में एप्पल हमेशा आगे निकल जाता है, और यहाँ पे उसके वैल्यूएशन आगे हो जाता है। इसलिए क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें, स्टॉक मार्केट के अंदर सैमसंग का शेयर भी ट्रेड होता है, एप्पल का भी होता है, लेकिन शेयर की वैल्यू ऐसे डिसाइड होती है कि इन्वेस्टर की नजर में कौन सी कंपनी की वैल्यू ज्यादा है। अगर एप्पल उनकी नजर में ज्यादा वैल्यूएबल है तो उसके लिए वो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, इसलिए शेयर की कीमत ज्यादा रहती है। और एप्पल ने हमेशा अपने आपको ऐसा दिखाया है कि वो हमेशा एक प्रीमियम है, इसलिए वो हमेशा उनकी जो वैल्यूएशन हो गया ना, वो भी उनका काफी ज्यादा प्रीमियम हो गया है। लेकिन सर इसके टर्म पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एप्पल बड़ा है कि सैमसंग बड़ा है, ये कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि देखा जाए तो दोनों कंपनीज काफी ज्यादा अलग है, दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों का बिजनेस जो है वो काफी मामलों में सेम भी होता है और काफी मामलों में अलग है। लेकिन सैमसंग जिस तरीके से फैली हुई है पूरी दुनिया के अंदर, और दुनिया के काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज के समय में हैंडल कर रही है, दुनिया की काफी बड़ी कंपनीज को सपोर्ट कर रही है, ये काफी कमाल की बात है। तो देख के लगता है काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। इवन इंडिया में बात करें तो सैमसंग के मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सैमसंग बहुत ही तेजी से धूम मचा रखा है। टीवीज ले ले, अगर हम अप्लायंसेस वाला सेक्टर ले ले, वहां पर तो सैमसंग है ही। मोबाइल फोन वाले बिजनेस में भी आज भी काफी चाइनीज कंपनी से ज्यादा सैमसंग अपने फोन को बेचता है। सैमसंग की A सीरीज उनकी वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग सीरीज है। अगर मैं दुनिया के मोस्ट पॉपुलर एंड्रॉइड फोन के भी नाम लूँ ना, तो वो भी सैमसंग के ही फोन होते हैं। ये काफी कमाल की चीज हो जाती है। और इनोवेशन के मामले में भी हम सैमसंग को पीछे नहीं छोड़ सकते। जब R&D में इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज करके काफी कमाल कमाल के प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। जैसे बात करें फोल्डिंग फोन्स वगैरह की, फोल्डिंग फोन्स का भी जादू है ना, आप लोगों ने देख चुके हैं सैमसंग के गैलेक्सी फोल्ड फोन के अंदर। और वही बात करें मार्केटिंग वगैरह के अंदर, तो क्या आप लोगों को मालूम है कि जो सैमसंग कंपनी है ना, वो दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड करने वाली कंपनी है। जी हाँ, इस कंपनी का जो बजट है मार्केटिंग में दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। जैसे गैलेक्सी नोट 7 का फियास्को हुआ था ना, उसके बाद ये सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं। इवन दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केटिंग एजेंसी कंपनी है ना, वो भी सैमसंग ओन करता है। ये काफी ज्यादा कमाल की बातें हो जाती है। तो देखा जाए तो इस हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाए, सैमसंग इज एक्चुअली मच बिगर देन एप्पल। एप्पल भी काफी अच्छी कंपनी है, सैमसंग भी काफी अच्छी कंपनी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं। दुनिया है ना, इन दोनों के बगैर चल नहीं सकती, क्योंकि काफी सारे लोग है ना इन दोनों कंपनीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों ये पूरी बात हो जाती है सैमसंग कंपनी के बारे में, और ये सब देख के लगता है कि जो सैमसंग है ना, वो एप्पल से बड़ी होती है। वेल, क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, आप लोग के ओपिनियन है सैमसंग के बारे में, ये बात मुझे नीचे कमेंट करना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वन में गुड बाय।